हेलो दोस्तों, हिंदी मेरे पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में यानी कि अभी की वीडियो में, आज तो मैं वीडियो हर 2 घंटे के बाद आपके लिए अपलोड कर रही हूँ। जितना भी आपका कंटेंट बचा हुआ है आज सारा अपलोड कर देंगे, फिर आप लोग आराम से तैयारी करते रहना हिंदी की। उसके बाद और सब्जेक्ट जो हैं उनकी हम तैयारी कराने शुरू कर देंगे। हिंदी का आज सारा ही कंटेंट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी का मैं अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। कल से फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री और आपका सोशियोलॉजी की तैयारी शुरू करेंगे। आज रात में आपका 30 क्वेश्चंस का मैंने अभी शॉर्ट वीडियो में भी डाला है। 30 क्वेश्चंस की आपकी जो है तैयारी कराई जाइए लाइव क्लास में, जिसमें आपको MCQs कराए जाएंगे, क्योंकि आपके 15 से 10 के बीच में MCQs भी आने वाले हैं। अगर आपके ये सही चले जाते हैं तो 10 या 15 नंबर तो आपके ऐसे ही बन जाएंगे। बाकी रही शॉर्ट क्वेश्चंस की बात, तो आपके पास इतना कंटेंट आ चुका है हिंदी मिरर की तरफ से, आप सिर्फ वीडियो में से भी तैयारी करेंगे तो आपका बहुत अच्छा पेपर चला जाएगा। 100% तो देखो कोई भी नहीं होता है, लेकिन मैं इतनी गारंटी देती हूँ, अगर आप सारी वीडियोज़ भी देखते हैं तो आपके 70 नंबर कहीं नहीं गए हैं। तो बने रहना है हिंदी मिरर के साथ ऐसी ही अच्छी तैयारी के लिए। अभी जो कंटेंट हम लेकर आए हैं वह थर्ड ईयर की क्लासेस के लिए लेकर आए हैं, और इसमें आपके लिए लेकर आए डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश द्वारा जो कहानी है, एक नाम एक विश्वास, इसका ये सारांश है। फिर इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन, एक नाम एक विश्वास कहानी का क्या उद्देश्य रहा है हरिदत्त भट्ट शैलेश का लिखने का, फिर इनका जीवन परिचय भी है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आधी अधूरी वीडियो देखते हैं, उसे क्या होता है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और समझ में नहीं आता। जिस चीज़ का मैं कहती हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और जो मैं समझाती हूँ उसको अच्छे से समझा करो चीज़ों को। आप समझते नहीं हैं और फिर आपको जो है अच्छे से पता नहीं चलता है चीज़ों का। हम चीज़ पढ़ने से ज़्यादा समझ के जब कोई चीज़ करते हैं उसको हम ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको एक नाम एक विश्वास में क्या है। इसमें ये जो कहानी है डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश द्वारा लिखी गई है, और इसमें से 100% आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। नामक शेरपा के अंतर्गत भावबोधों को उजागर करती है, इसमें शेरपा है, उसके जो भाव हैं उनको उजागर करती है। इसमें क्या बताया गया है, पासंग शेरपा पर्वतारोही दलों के साथ पहाड़ों पर आता जाता रहता है। यह जो शेरपा है इसका नाम पासंग शेरपा है, और ये जो पर्वतारोही होते हैं इनके साथ पहाड़ों पर वह आता रहता है। इस बार वह 25,000 फीट ऊंचाई पर एक पर्वतारोही के साथ फंस गया जो काफ़ी बीमार है। जो इसके साथ पर्वतारोही गया था पासंग के साथ, शेरपा के साथ, वह बीमार हो गया वहाँ पर जाकर। इसके इलाज का उसके पास कोई साधन नहीं है। ऐसे कठिन समय में पासंग अपनी प्रेयसी पत्नी प्रेमा के विषय में सोच सोचकर अपना दिल बहलाता रहता है। उसकी जो पत्नी है प्रेमा और प्रेयसी भी है उसकी, उसके बारे में सोचता रहता है कि मेरे बिना उनका क्या होगा। प्रेमा की बातें, विवाह, हर्षोल्लास, उसे सब याद आने लगता है। ऐसे समय में पहाड़ का मौसम बहुत ख़राब होता है, ये तो आपको मालूम ही है। बर्फीली तूफान रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में पासंग साहब का सब कुछ था, यानी कि जो पर्वतारोही गया था वो उसके लिए सब कुछ था। उन्होंने उसे लौट जाने के लिए भी कहा, परंतु पासंग साहब की ऐसी अवस्था में छोड़कर इसलिए राजी नहीं हुआ कि प्रेमा क्या कहेगी, जो उसकी पत्नी है वो कहेगी कि ऐसी अवस्था में तुम उसको छोड़कर क्यों आ गए। तो आगे इसमें क्या है कि राजी नहीं हुआ, प्रेमा क्या कहेगी, अत्यंत क्या हुआ, मृत्यु ने उसकी दृढ़ता पर विजय पाई। 10वें दिन मौसम खुलने के पश्चात जब 2 शेरपा और 2 सांप वहाँ पहुँचे तो उन्होंने 2 लिपटे लाशों को पाया। सांप का आधार था पासंग और पासंग का आधार थी प्रेमा, जिसकी दी गई अंगूठी पर होठ रखे पासंग अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। तो इस प्रकार से ये कहानी है, और इस कहानी का ये सारांश था। पर इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं और चरित्रण भी आता है, तो आप उसको आराम से कर पाओगे। चलिए अब आगे देखते हैं इस कहानी को लिखने का क्या उद्देश्य रहा। हरिदत्त भट्ट के द्वारा यह जो कहानी लिखी गई है इसका उद्देश्य उनका ये रहा है, एक नाम एक विश्वास का उन जो इनके द्वारा रचित ये कहानी है। इस कहानी में पर्वतारोही से संबंधित पृष्ठभूमि पर कथानक रचा गया है।
इसके माध्यम से ये भी बताया गया है कि जो पर्वतारोही होते हैं उनको किन किन घटनाओं का, कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उनको एक विश्वास होता है कि वो ये सब चीज़ें कर लेंगे। आगे है पर्वतारोहण डॉक्टर भट्ट का प्रिय विषय है, वो जो ज़्यादातर लिखते हैं इसी विषय पर लिखते हैं। अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए उन्होंने भोगे हुए सत्य को युग सत्य बनाकर पाठकों के सम्मुख रखा है, यानी कि परोसा है रखा है, क्योंकि ये भी एक पहाड़ से ही संबंध है इनका। अभी जीवन परिचय जब कराएंगे तब आपको पता चल जाएगा, तो भट्ट नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। तो ये जो है, जो ये चीज़ें इन्होंने भोगी हैं खुद से कि पहाड़ का जीवन किस तरह का होता है, वह सब उन्होंने इसके माध्यम से बताया है, इस कहानी के माध्यम से। आगे है अपनी रचना धर्मिता के उद्देश्यों को स्वीकार करते हुए लेखक अपने आप ही कहते हैं कि पर्वतारोहण की पृष्ठभूमि पर सर्वप्रथम मैंने अपने अनुभव के आधार पर कहानियाँ लिखी हैं। उन्होंने जो जो चीज़ें वहाँ पर देखी, कुछ हम लेखक क्या होता है, ये नहीं कि वो अपने ही संबंधित लोग, बहुत से वहाँ पर लोग होते हैं उनके जीवन को कहानी बना देते हैं, तो जो उन वो देखते हैं उसको कहानी के रूप में ढाल देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने जो वहाँ पर चीज़ें देखी तो उसके आधार पर इन्होंने कहानियों की रचना की। मैं अपने अभियानों में उनके साथ रहा हूँ, उनसे भलीभांति परिचित भी रहा हूँ, मुझे महसूस हुआ कि मैं उन पर लिखूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो जीवन उन्होंने वहाँ पर महसूस किए, जो देखे अपनी आँखों से, तो उन्होंने उनको कहानी का आधार दे दिया और उनके ऊपर कहानियाँ लिख डाली। आगे है उन्होंने कहा है कि और लेखक जो शेरपा अभियानों में अपनी अनूठी भूमिकाओं, साहसिक गाथाओं और अनुपम त्याग बलिदानों के लिए दुनिया में जाने जाते हैं, अपनी लेखनी के माध्यम से वाणी प्रदान की है। ये शेरपा अभियानों में, शेरपा आप जानते होंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है शेरपा के बारे में तो इसके बारे में आप अलग से भी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कहानी थी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो कहानी है नए किस्से का जन्म, इसका सारांश लेकर आएंगे, और आपका जो आत्मकथ्या है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तब तक आपको क्या करना है, हिंदी मिरर के साथ बने रहना है। इसके नेक्स्ट वीडियो आपको अभी 1 बज रहा है, तो 5 बजे तक आपकी इसकी नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगी, और मुझे लगता है इस वीडियो के बाद आपके पास सारा कंटेंट पहुंच जाएगा। और शाम में जो 30 क्वेश्चंस वाला MCQ आपका होना है लाइव क्लासेस में, उसमें भी आप रहना। उससे क्या पता चलेगा, आपकी जो स्टडी है पता चलेगा कि आपने कितना डीपली तैयारी की है। जो क्वेश्चंस आपको मैं दूंगी उसमें से सारी यूनिट में से क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि आपने कितने अच्छे से तैयारी की है अपनी। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो स्टूडेंट आज ही जुड़े हैं, अभी जुड़े हैं, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और लाइक तो एक बनता है, इतनी हेल्प आपकी हो रही है, तो लाइक तो साथ के साथ करते रहा करिए। जैसे ही आप वीडियो ओपन करते हैं एकदम लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट्स के लिए।